हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिक्योर एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है सिक्योर एजुकेशन में। चलिए आज हम देखेंगे ट्री को पार्ट थ्री फॉर्मूला, ठीक है। तो जिसमें हमने टू पार्ट डिस्कस कर लिए हैं, आज हम पार्ट थ्री जिसमें फॉर्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है ट्री को का, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है एक कंडीशन है, यदि इफ़ ए प्लस बी, ए यानी एंगल है और बी भी एंगल है, यदि 90 डिग्री हो तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू वन होगा, ठीक है। फिर आगे होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू वन होगा, और साइन ए इंटू सेक बी इक्वल टू वन होता है, कॉस ए इंटू कॉसेक बी इक्वल टू वन होता है, और साइन ए इक्वल टू कॉस बी होता है, ठीक है, और sec a इक्वल टू cosec भी होता है, और tan a इक्वल टू cot भी होता है, और tan a इंटू cot भी इक्वल टू वन होता है, ठीक है। आप इसे प्लीज अच्छे से देखिए और याद रखिए, tan a इंटू tan b इक्वल टू वन, cot a इक्वल इंटू cot a इंटू cot b इक्वल टू वन होता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए, ठीक है, और साइन ए प्लस बी, ठीक है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। नेक्स्ट है कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। नेक्स्ट है साइन टू ए का फॉर्मूला क्या होगा, तो साइन टू ए का फॉर्मूला होता है टू साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, टू साइन ए इंटू कॉस ए, या इसको टू टेन ए बाई वन प्लस टेन स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ठीक है, या होता है। आगे देखिए, यदि साइन थ्री ए रहे तो इसका फॉर्मूला होता है थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यू ए, ठीक है, थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यू ए, टेन 22.5 डिग्री के मान पूछे तो होता है स्क्वायर रूट टू प्लस वन प्लस माइनस वन, ठीक है, और साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन ए इंटू कॉस बी, टू साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है। यदि पूछे आपसे साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, तो इसमें माइनस है तो यहाँ पर टू कॉस ए साइन बी हो जाता है, ठीक है, इसका उल्टा हो जाता है। नेक्स्ट है, और यदि यदि मान लीजिए क्या, इफ सी बराबर ए प्लस बी और डी बराबर ए माइनस बी हो, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा सी प्लस डी बाई टू, और b बराबर सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। तो इसी पर हम फॉर्मूला बैठाते हैं, ठीक है, और साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा टू साइन c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। नेक्स्ट है साइन c माइनस साइन d, साइन c माइनस साइन d इक्वल टू क्या होगा, टू कॉस सी प्लस डी, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, ठीक है, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। नेक्स्ट है कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी,
कॉस ए प्लस बी क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस टू ए इक्वल टू क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इसको बोल सकते हैं वन माइनस टू साइन स्क्वायर, क्योंकि यदि हम रखेंगे कॉस स्क्वायर ए के जगह पर वन माइनस साइन स्क्वायर तो हो जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है, इसको हम बोल सकते हैं टू कॉस स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर के जगह पर क्या माइनस, यहाँ साइन स्क्वायर के जगह पर क्या लिखेंगे वन माइनस कॉस स्क्वायर लिखेंगे ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है, टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन। और इसको हम बोल सकते हैं और क्या कि वन माइनस टेन स्क्वायर ए बाई वन प्लस में टेन स्क्वायर ए, ठीक है। आगे देखिए, कॉस थ्री ए, कॉस थ्री ए इक्वल टू क्या होगा फोर कॉस क्यू माइनस में थ्री कॉस ए। और कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा टू कॉस ए इंटू में कॉस बी। नेक्स्ट है, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होगा, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होगा, तो ये होगा टू कॉस सी प्लस डी इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। नेक्स्ट देखिए कि कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी रहे तो क्या होगा, तो यहाँ पर होगा माइनस टू साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। और इसको अगर इस तरह से रहे कॉस सी माइनस कॉस डी, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, ठीक है, माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो का आप पूरा वॉच कीजिए और ट्रिगो को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए, बाय, टेक केयर, और वीडियो को आप शेयर प्लीज़ ज़रूर करें।